ये फ्री डीटीएच का रिमोट है जो खराब हो गया है, और ये दोनों साइड वॉल्यूम जो काम नहीं कर रहा है। कभी भी आपका वॉल्यूम रिमोट, किसी भी तरह के रिमोट हो, आप इसको रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये रिमोट में ये जो वॉल्यूम बटन है, ये वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है। इसको कैसे आप रिपेयर करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। पहले तो आपको ये जो पीछे वाला ढक्कन है, ये ढक्कन को आपको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद ये जो इसका पीछे लगा हुआ बैटरी, ये बैटरी को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इस तरह से नाखून से इसको इसके अंदर घुसा देना है। देखिए ये निकल जाएगा, ये निकल गया। देखिए निकलने के बाद आपको इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको एक सादा कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये जो निशान दिख रहे हैं ग्रेफाइट का, आपको ये कपड़े में थोड़ा सा पानी ले लेना है। लेने के बाद आपको अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह आ जाता है या धूल जम जाता है, इसके वजह से ये काम करना थोड़ा थोड़ा बंद कर देता है। एक दो स्विच काम नहीं करता है ठीक से। आपको इस तरह से देख लेना है। या आपको ये रिमोट कभी कभी हाथ से छूट जाता है, तो ये जो सर्किट वगैरह है, थोड़ा सा सोल्डरिंग वगैरह भी खुल जाता है। इसको आपको चेक कर लेना है, कहीं सोल्डरिंग वगैरह खुला तो नहीं है। ये सही है तो आपको इस तरह इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपको ये जो रबर दिख रहा है, ये रबर को भी आपको ये जो भिगोए हुए पानी से, कपड़े से, आपको ये जो रबर काले काले नज़र आ रहे हैं, आपको इसको अच्छी तरह से बहुत ही सावधानी से आपको ये सब को साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपको चेक करना है ठीक हुआ है कि नहीं। पहले आपको ये जो बैटरी है, बैटरी का पॉइंट यहाँ पर दे देना है। पॉइंट दे देने के बाद आपको चेक कर लेना है। देखिए मैं खुले में इसको दे रहा हूँ, इसको बैटरी को मैं डायरेक्ट लगा के पहले चेक करूँगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट से चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर दे देना है और यहाँ से यहाँ तक ले लेना है, एक हाथ में दे देना है। और यहाँ पे एक तांबे का तार यहाँ पर दे दूँगा। देने के बाद आप इसको देखिए, ये ठीक से सेट हो गया। इसको मैं पकड़ के रख रखूँगा। पकड़ के रखने के बाद आपको ये जो रबर है, फिर से ये रबर उस पर सही जगह पर लगा के चेक करना है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए मैं रिमोट से चेक कर रहा हूँ, देखिए वही वाला रिमोट है। और ये देखिए ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, देखिए बढ़िया काम कर रहा है। और मैं ये जो वॉल्यूम खराब हो गया था, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को मैं चेक करूँगा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बढ़िया तरीके से देखिए काम कर रहा है, वॉल्यूम वगैरह भी बढ़िया काम कर रहा है। ये देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखिए बढ़िया तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बढ़िया तरीके से आप काम करने लग गया है। ये फ्री डीटीएच का वॉल्यूम है, ये जो खराब हो गया था, इसको हम रिपेयर कर लिए हैं और इसको फिर से हम जॉइंट कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से काम हो गया, बढ़िया तरीके से काम हो गया और हम इसको फिर से जॉइंट कर लेंगे। ये इसमें लूज होने के कारण में और मिट्टी या धूल जम जाता है, मॉइस्चर जम जाता है, इसके वजह से ये खराब हो जाता है। फिर से हम इसको, ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया, अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे फिर से। बढ़िया तरीके से अभी काम कर रहा है, देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने लगा है।
तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में ये जो रिमोट है इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके थोड़ा लूज होने की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है, या हाथ से गिर जाने की वजह से ऐसा कभी कभी ये बटन काम करना बंद कर देता है। ये इसके वजह से ये कभी काम नहीं करता है ये बटन को बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।